व्हाट डी जब गाइस, आज हमारे पास है एक नया लैपटॉप जो हमने सुनने अभी मंगाया है, तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। एक बड़ा ही लैपटॉप मस्त है और इधर हम मजे कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later अनबॉक्स करते इस पैकेज को और देखते हैं अंदर कौन से ब्रांड का लैपटॉप है, क्योंकि मैंने ये सस्पेंस रखा है इस वीडियो में, तो इसको मैं पहले सील भी कर देता हूँ और अनबॉक्स कर देता हूँ। ये देखो अभी ये है, पूरा अच्छे से पैकिंग करके आया है। ओ वाह क्या मस्त पैकिंग है भाई, आसुस का A15 लैपटॉप। इसको भी अभी निकाल देते ऊपर से कवर। ओ वाह क्या पैकिंग थी, अभी ये है हमारा लैपटॉप, अच्छे से पैकिंग है ये, पहले हम निकाल देते हैं इस। और ये है हमारा आसुस का नया लैपटॉप A15। अब ये बॉक्स के अंदर मैनुअल वगैरह है, तो ये आप ही पढ़े हो, इधर मुझे ज्यादा पढ़ता नहीं था। और इधर ये सिर्फ मैनुअल वगैरह देके रखा है स्टॉक गेमिंग लैपटॉप का। भाई चार्जर दिखाओ, और चार्जर अभी किधर होगा शायद से, ये देखो चार्जर। भाई क्या चार्जर है, कितने वॉट का है, 180 वॉट का चार्जर है गाइज इतना। और ये इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, तो इधर का मोबाइल वाली अनबॉक्सिंग की फील लेते हैं, पर इतने से फील आएगी नहीं क्योंकि उस पे कवर है। इधर फिर भी हम मोबाइल की अनबॉक्सिंग की फील लेने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कैसा है, ओपन कर देते हैं। और ये है हमारा लैपटॉप, ये देख सकते हैं, आपको वेबकैम भी दिख रहा होगा। इधर लिखा है राइजन 8 कोर्स, ये है राइजन 7। और इधर से क्या है, ड्यूएल 8 3 ब्लेड फैन से, इधर साइड में USB पोर्ट्स वगैरह है। अभी इसको चालू करते हैं CPU को, हमारे लैपटॉप को। अभी ये चालू हो रहा है, अभी हो जा चालू, आई थिंक सो चार्जिंग कम। ये है चार्जिंग के लिए प्लग, ये है इथरनेट पोर्ट, ये है HDMI पोर्ट, ये है USB पोर्ट, ये USB पोर्ट, और ये हमारा हर रोज का सी टाइप। और इधर इधर है जो ऑडियो जैके, ये ऐसा कुछ हमारा लैपटॉप दिख रहा है कि हमने अभी सेटअप वगैरह कर लिया है, इसलिए आपको इधर क्रोम और ब्रेव भी दिख रहा होगा, इसलिए हमने बहुत अच्छा अभी सेटअप करके रखा है। तो आई होप आपको ये भी लैपटॉप आपको बहुत पसंद आया गाइस। तो ये ऐसी कुछ बॉक्स था, आपने जैसे पीछे वीडियो में देखा होगा कि ये ऐसा अनबॉक्सिंग के टाइम पर ब्लॉग बॉक्स था, जिसमें लैपटॉप का पे अभी स्पेसिफिकेशन पता चलते कि उसको 8GB रैम है जो एक्सपांडेबल है, और 512GB की हमको SSD मिलते हैं वो भी जो एक्सपांडेबल है, 4GB का हमको ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो RTX 3050 है, राइजन 7 4th जनरेशन। बस फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई सुझाव तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बस बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।